अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड शाइन। और आज हम आए हैं अदब फेस्टिवल पाकिस्तान कराची आर्ट काउंसिल में, जो कि ज़बरदस्त एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कराची आर्ट काउंसिल ने। तो आइए चलते हैं अंदर। जी कहाँ पर आए हैं फैजान आप? ये आर्ट काउंसिल आए हुए हम, अदब फेस्टिवल हो रहा है उसके लिए हम देखते हैं क्या है। ओके। और चलिए कुछ शोराए कराम से आपकी गुफ्तगु करवाएंगे, उनसे तासुरात लेंगे इस अदब फेस्टिवल के बारे में। और चलिए देखते हैं। रहमानी, मीडिया और तदरीस से मेरा ताल्लुक है। बात यह है कि जी ये बड़ी अच्छी काविश है। मेला नाम रखा गया अदब के साथ, मेला का लफ्ज़ कुछ अजीब सा लगता है, बहर तो अब बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए कि अदब के फ़रोग के लिए ये काम हो रहा है। ठीक है, ये छोटी बातें हैं, छोटी छोटी खराबियाँ होती हैं। ओवरऑल जो है अदब के फ़रोग के लिए ये सिलसिला किसी भी तरह से हो, किसी भी शक्ल में हो, वो लायक तहसीन है, उसे खुश आमदीद कहना चाहिए। ये निजी तौर पे, ज़ाती तौर पे कुछ अहबाब ने, कुछ अदब दोस्तों ने काविश की, आर्ट्स काउंसिल का तावन है और इससे पहले भी यहाँ मेले होते रहे। ये हो रहा है, इसमें फैमिली के साथ लोग आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, अदब से दोस्ती होती है। अदब के जो स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेट और फिल्म के स्टार्स तो हैं, अदब के स्टार्स भी होने चाहिए, तो बच्चों को, नई जनरेशन को ये पता चले कि नहीं अदब वो अदब। और अकील अब्बास जाफरी अंकल साहब, उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कैसा है उनके लिए ये फेस्टिवल। जी बोले। ये बहुत अच्छा दार है, अब ये 11वां फेस्टिवल हो रहा है। 2010 में सिलसिला शुरू हुआ था और मैंने कमोबेश एकाद के अलावा सभी अटेंड किए हैं। और अब ये कदार है, कुछ मामला ऐसे हुए कि इनको यहाँ पर अदब फेस्ट के नाम से ये कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, पिछले साल ये गवर्नर हाउस में हुआ था। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और उससे अदब को भी ज़ाहिर फ़रोग मिलता है। और खास तौर से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, नौजवान नस्ल आती है, उनको अपने सीनियर अदीबों और शायरों के साथ बैठने का, बात करने का मौका मिलता है। उनकी बातें, उनकी शायरी, उनकी गुफ्तगु वो बराह रास्त सुनते हैं उनसे, तो उनमें भी अदब का शौक़ होता है। फिर ये किताबें के बुक फेयर यहाँ पे लगता है, उसमें किताबें में बहुत रियायत। मैं एक स्टॉल में मौजूद था, काफ़ी अट्रैक्टिव, इनके पास किताबें हैं, थोड़े दिन से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कौन कौन सी किताबें इनके पास मौजूद हैं। काफ़ी अर्से से 65 से काफ़ी बेस्ट का उर्दू बाजार हम सदर में ही है, मकतबे दानिया। अच्छा, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। अच्छा अच्छा, मतलब कैसा आप ओवरऑल देख रहे हैं ये, कैसा आर्ट काउंसिल है? जो आर्ट काउंसिल के लिए जो अदबी सेकेंड टाइम गवर्नर हाउस में हुआ ठीक है, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अच्छा, ये यहाँ पे भी और तीन और दिन बहुत अच्छा, यूथ के लिए अच्छा है, जो नहीं रहता बहुत अच्छा नहीं है, कराची वाले बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक अच्छी एक्टिविटी है। नहीं कि जो दूसरे आबाद जो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चे आ रहे हैं, अच्छा लगा। पर स्कूल के बच्चे बहुत आए, तीनों दिन आए, आज भी आए, हालांकि आज चलते हैं, लेकिन जा रहा है। और कुछ खाने पीने का भी तो होता है यार इन प्रोग्राम में, वो भी मौजूद है यहाँ पर आर्ट काउंसिल में, सारे फूड स्टॉल्स हैं, एक से एक खाने पीने फुल सीन। आज मैं इस महफिल में बैठा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ऐसी अदबी महफिल और ऐसे इश्तहार लगने चाहिए, जल्द से होने चाहिए, ताकि शहर के लोगों को पता चल सके कि शहर में ऐसे अदबी जल्द से भी होते रहते हैं। और अमीन सैयद ने बहुत बड़ा काम किया है, तो उसने इतने बड़े शहर में।
इसका विजिट रहा था हमारा, ये अदबी फेस्टिवल जो आर्ट काउंसिल में हो रहा था, आज इसका लास्ट डे था और बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल रहा। और ऐसे फेस्टिवल हमारे शहर में होने चाहिए ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़े और किताबों से हमेशा दिलचस्पी रहे। और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।